हमारे भारत देश ने विदुर और कौटिल्य जैसे राजनीतिक चिंतकों और उनकी नीतियों को देखा है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, नेनात नीति रुच्यते, अर्थात व्यक्ति को अनुचित मार्ग से उचित मार्ग पर ले जाना यह राजा का कर्तव्य है। अतः इस नीति का कर्ता राजा होने के कारण इसे राजनीति कहते हैं। हमारे भारतीय राजनीति का इतिहास महात्मा गांधी, पंडित नेहरू तथा सरदार पटेल जैसे राजनीतिक दिग्गजों से भरा हुआ है, जिन्होंने तमाम राजनीतिक फैसलों के द्वारा देशवासियों को न्याय देने तथा देश की प्रगति व विकास को केंद्र बिंदु मानकर अपने सामर्थ्य का संपूर्ण उपयोग किया है। परंतु जब अरस्तु की राजनीतिक सर्वोच्च विज्ञान राजनीतिक स्वार्थ विज्ञान बन जाता है, तब राजनीति की सब परीक्षा की आवश्यकता होती है। याद कीजिए 17 अप्रैल 1999, जब मात्र एक वोट से अटल जी की सरकार अस्थिर हो गई थी, किंतु अटल जी ने सरकार बचाने के लिए नैतिकता की राजनीति का त्याग नहीं किया। परंतु वर्तमान परिदृश्य में हम मध्य प्रदेश में देखते हैं कि चुनी हुई सरकार को अपदस्थ किया जाता है, जिससे हमारा भारत का संविधान एवं लोकतंत्र बिगड़ जाता है। बाबा साहेब और संविधान सभा ने यह स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि देश में ऐसी राजनीतिक विपदा पैदा होगी जिसमें सौदाकर विधायकों के इस्तीफे कराकर उपचुनाव थोपे जाएंगे। प्यू रिसर्च फाउंडेशन के अध्ययन के मुताबिक संपूर्ण विश्व में 55% लोगों का मानना है कि राजनीतिक वर्ग भ्रष्ट है। इसी भ्रष्ट राजनीति की वजह से स्वयं राजीव गांधी जी को यह कहना पड़ा था कि जब 1 रुपया केंद्र सरकार पंचायत के विकास कार्य के लिए रवाना करती है, तब पंचायत तक पहुंचते पहुंचते वह 1 रुपया मात्र 25 पैसे में परिवर्तित हो जाता है और 75 पैसा देश की खोखली राजनीतिक व्यवस्था और देश के भ्रष्ट प्रशासनिक व्यवस्था की भेंट चढ़ जाते हैं। आज राजनीति में आपराधिक रिकॉर्ड वाले तमाम सक्रिय लोग सफेद कुर्ते पैजामे सिलवाकर समाज सेवा का बहाना बनाकर राजनीति में सक्रिय हो गए हैं। वर्तमान में लोकतंत्र का मंदिर माने जाने वाले लोकसभा 2019 के अंदर 43% सांसदों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज है। वर्ल्ड वैल्यू सर्वे के अध्ययन में पता चला कि लोगों में प्रजातंत्र के प्रति अविश्वास बढ़ा है। आज योग्य लोग राजनीति के दलदल से दूर रह रहे हैं, जिसका प्रतिफल यह है कि आज आधारहीन एवं तत्कथित लोग नेता बन राष्ट्र मार्गों पर शहीदों की फोटो से लैस गाड़ियों में पिकनिक मनाए जाने की घटना को रथ यात्रा का नाम देकर स्व को लाल कृष्ण आडवाणी जी की श्रेणी में डालने का प्रयास करते हैं। आज हमें आवश्यकता है कि हम हमारे राजनीतिक ढांचे को चुस्त दुरुस्त एवं पारदर्शी बनाए, देश की सत्ता योग्य लोगों के हाथों में दे और विधि के शासन को सुस्थापित करें। तभी हमारा भारत सर्वेव भवंतु सुखिना की भावना को शंखनाद कर जन जन तक पहुंच पाएगा। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।